मेरा नाम निशा है और आज हम सारे भक्तजन यहाँ दुर्गा माँ के सप्तमी के त्यौहार के लिए एकत्रित हुए हैं। ये त्यौहार हम सारे मिलके दुर्गा माँ के स्वागत के लिए यहाँ मनाते हैं। ये त्यौहार तब मनाया गया था जब भगवान राम ने रावण को वध करने से पहले उन्होंने दुर्गा माँ का आगमन किया था ताकि वो उनका आशीर्वाद ले सकें। इसीलिए दुर्गा माँ उनके बुलाने पे धरती पे आई थी तथा इसी वजह से हम दुर्गा माँ के स्वागत करते हैं। तथा ये बंगालियों का सबसे बड़ा त्यौहार है। पूरे साल हर बंगाली इसी त्यौहार की आशा लेके बैठा रहता है कि कब ये त्यौहार आएगा तथा वो अपनी माँ का स्वागत कर पाएंगे। नमस्कार, मैं पिंटू सेक्टर 24 राजपूत भवन से। आज महासप्तमी के दिन हम यहाँ दुर्गा माता जी के सामने बैठे हुए हैं और हम सभी को आमंत्रण करते हैं हमारे यहाँ आने के लिए और पूजा में शामिल होने के लिए। ये पूजा हमारी 11 से 15 तारीख तक चलेगी। आज सप्तमी है, कल महाअष्टमी, फिर नवमी और दशमी के दिन माता जी की विसर्जित किया जाएगा और सारे जितने भी बंदे हैं यहाँ के, कल लंगर भी हमारे सब आए और हम ये पूजा परंपरागत तरीके से सालों से करते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो भी है हमारे साथ में आए और सारे बंदे आए और सब जितने भक्त हैं सारे आए और हमारे यहाँ आके पधारे और हम सबको आशीर्वाद दे कि ताकि हम ये पूजा अच्छी तरीके से कर सके। मेरा नाम राकेश वर्मा है, मैं मैड राजपूत सभा रजिस्टर्ड सेक्टर 24 चंडीगढ़ का प्रधान हूँ और हमारे यहाँ पे जो ये माता के भक्तों ने आयोजन किया है 3 दिन का प्रोग्राम दशहरा पूजा का और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसमें शामिल होने का। मैं सारी अपनी मैड राजपूत सभा कम्युनिटी की तरफ से इनका आभारी हूँ जो और हमारे सारे इसमें समुदाय के लोग भी इसमें शामिल हुए हैं और हमें पूजा में शामिल होने का बहुत बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता रानी की कृपा सब पे बनी रहे, मैं यही शुभकामना करता हूँ। हम यहाँ 24 की दुर्गा पूजा में आए हैं और यहाँ के जो पूजा है ये नवरात्रि के टाइम ही होते हैं जो दुर्गा पूजा के। हम यहाँ सारे मिल के आए हैं और ये पूजा 5 दिन के होते हैं। आज 7वां दिन है, सप्तमी है, महासप्तमी है। हम सारे मिल के आए हैं यहाँ पूजा देखने। आप भी हमारे साथ आके पूजा देखिए, ज्वाइन कीजिए। दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय, दुर्गा माता की जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग NT24 न्यूज, द नेशनल टेली 24 न्यूज।